बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है, चावल बनाने लगी हूँ आलू वाले में। इसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू, ले लिए हैं आधा किलो आलू, ले लिए हैं 3 हरी मिर्चें, ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और ये गरम मसाला पिसा हुआ, कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून मैंने ये ले लिया है नमक, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें पानी इसका जगह। अब मैं डालने लगी हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल 2 गिलास चावल लिए मैंने, इसको ब्राउन करूँगी, कलर इसका निकाल लूँ मैंने। ये देखें बाहर का मौसम, मैंने आज लॉन्ड्री की थी तो कपड़े मैं ड्राई नहीं करती, बच्चों की शर्टें जो हैं वो मैं ड्राई नहीं करती, नीचे हैंगर में लगा देती हूँ। आज धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि इधर ही मैं बाहर ना रस्सी हमने बांधी हुई है तो इधर ही मैंने डाल दी है। ये देखें अभी मैं देखने आई हूँ सूख गए हैं कि नहीं, थोड़े ठंडे हैं, थोड़ी देर और रहने दूँगी। थोड़ी सी सफाई की है इधर से, अभी भी बड़ा गंद है इधर बाहर, स्नो ही नहीं ख़त्म हो रही। अभी 3-4 दिन मौसम और ठीक है, फिर उसके बाद फिर सर्दी है उसी तरह। प्याज हो गए ब्राउन, थोड़ा पानी डालने लगे। डालेंगी टमाटर, एक कटोरी में ये डाल दें, मटर लेंगे, फ्रोजन लेंगे, हमने इसमें डालने लगे हैं कुटी मिर्चें, जीरा, नमक, और ये लहसुन के घर में आलू डालेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, हमने आलू डालेंगे, अगर आलू भूनेंगे हमें और आलू को भून लेंगे। आलू भून गए और हमने पानी डालने लगे, 4 गिलास पानी थे, 2 गिलास चावल थे, 4 गिलास इसलिए डाले हैं थोड़ी देर पहले आलू को हमने गलाना है। टीस्पून में ये डालने लगे हम गरम मसाला, पानी को उबाल आ गए, हम चावल डालें अभी। के साथ ही मैं अब ये भी डालने लगी हूँ अभी। बिस्मिल्लाह,
रख लूं। अभी डालूंगी हरी मिर्चें भी, ये के मैंने रखी थी तीन। नमक कम था, थोड़ा सा मैंने और इसमें ऐड किया नमक। अब बिल्कुल सही है, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ इसको। कलरफुल इसको 10 मिनट के बाद देखते हैं। चावल हमारे तैयार हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह। सब्जियाँ थोड़ी सी डाल ली थी मैंने, बताने की याद ही नहीं रही उस टाइम मुझे। थोड़ी सी गाजरें थी, थोड़े से मटर डाले मैंने इसमें, फ्रोज़न सब्ज़ी थी ये भी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ज़रूर। अपने बेटे के साथ स्टोर पे कुछ लेना है, ये हमने गार्बेज बांध के रखा है, कल गार्बेज जाएगा हमारा। आ जाओ हम लोग जा रहे हैं होम डिपो, फिर वहाँ से हम जाएंगे सब्जी वाले स्टोर पे। थोड़े से टमाटर वगैरह धनिया सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, मैं और मेरा बेटा। ये मैं थोड़ी सी मन का वीडियो इधर की बना दूँ स्टोर की। थोड़ी सी स्टोर की बनाऊंगी जाके, अगर याद रहा मुझे तो। रेसिपी डाली है मैंने, कहा थोड़ा सा बाहर का भी मैं डाल दूं, इधर का दिखा दूं आपको। हम आए हैं होम डिपो, मैंने यहाँ से कुछ पौधे लेने थे। कोई नहीं बता क्या करना, वापिस जा रहे हैं, ले लिया जो कुछ लेना था और दूसरे स्टोर पे जा रहे हैं। अब हम आए हैं फ्रेश मार्केट, अभी हम आए हैं सब्जी की मार्केट से।
अपना की। ये सब यहाँ बेकरी का सामान है, बिस्किट केक वगैरह बनते हैं इधर, हर चीज़ है यहाँ पर इस मार्केट में। ये सब फ्रोजन है इसमें। इधर सारी आइसक्रीमें रही। मैंने ग्रोसरी कर ली, ग्रोसरी होगी हमारी सारी इसी के साथ। आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।